हमेशा सेंटर में कौन खड़ा होगा उसकी लड़ाई of course, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट की रात में हमारा प्रमोशन के लिए आए हैं सेंटर में मैं खड़ी रहूंगी आज सिर्फ मेरा इंटरव्यू करने आ रहे बलराज मलिष्का और रघु Did you skip center? Oh, hi! Listen, you want him to skip center, trust me. What is he doing? No, he's come center. Sir, ek photo khichna, please. Kal ko bachon ko pata chale jaye mummy papa pehli baar kaise mile the. Finally, mere ko lag raha hai mera ghar bas jayega. Zordar taaliyan mere liye. Acha, ek baat batao. Haan. Raghu kahan hai? Aur ye kiski laate kahan hai? Raghu ke humne paon kaat diye. Haan, acha expression diya. कुछ कह रहा है क्या कह रहे हैं जब हमने तेरी नहीं सुनी तेरे कटआउट की क्या सुनेंगे हैं खैर आज हमारे शो पर आए हैं सोनू की भाभी की नाइटी के लिए ओ सॉरी दैट्स नॉट द नेम सॉरी सोनू के बाबा की बूटी के लिए सीरियस अलग ही रैंडम सोनू की भैंस की कुटी के लिए अरे यार ये नाम नहीं है क्या नाम है सोनू के टीटू की स्वीटी तो एक बार जोरदार तालियां सोनू के भैया की भाभी के लिए Welcome to Dabur Red Toothpaste presents Entertainment Ki Raat powered by Hype Star. बहुत खुश हूँ मैं मेरा दोस्त आया फिल्म प्रमोट करने अपने शो पे भाई कौन से दो दोस्त क्योंकि तुम तो दोस्त नहीं हो दोस्त से बढ़कर हो चुकी हूँ बन गई हूँ अब 22 एपिसोड में इसने लगातार हर हीरोइन के साथ फ्लर्ट किया हुआ है एंड यू आर द फर्स्ट वन जिसने एक्चुअली ऐसे हड्डी डाल दी देखो मैं वो मछुआरा हूँ जो जाल लेके समंदर में उतर चुका है जाल लेके समंदर में मेरे को क्या पता था पहली मछली वेल फंस जाएगी मेरे पास आज की जनरेशन के लिए हिंदुस्तान के यूथ के दिलों की धड़कन जोरदार तालियां विराट कोहली के लिए हो रहे हैं नहीं बट भाई यार क्या पर्सनैलिटी है मतलब क्या बॉडी बनाई है थैंक यू जोरदार तालियां टाइगर श्रॉफ के लिए बट एक बात बताऊं यार नुसरत मेरे को ना एक लड़की से बहुत प्यार है हमें शो के डायरेक्टर ने सिखाया काम अपनी जगह मोहब्बत अपनी जगह तो इसलिए जहाँ पर मोहब्बत है वहाँ पर तो सच बोलना ही चाहिए वेरी गुड सीखा कुछ टीटू हाँ मैं तो करता ही हूँ तुमसे मोहब्बत मैं कुछ बोली नहीं तेरा नाम टीटू है हमारे गांव में बछड़ों के नाम होते हैं टीटू वैसे मुंबई में एयरपोर्ट का नाम भी टीटू है टीटू है ना पहली बार किसी के मुंह से एयरपोर्ट सुना है वरना यहाँ पर तो स्टेशन वाले बैठे फिल्म के बारे में बताइए आप हमको फिल्म जो है सोनू के टीटू की स्वीटी जैसा कि नाम है सोनू का टीटू है टीटू की स्वीटी है ये स्टोरी में आपको पता लगेगा फिल्म के अंदर कि कैसे जब दोस्ती के बीच में एक लड़की आ जाती है आप बीच में आएंगे प्लीज वी वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर सनी प्लीज धीरे धीरे मैंने इसको यहाँ ले आना पता है हाँ, फिर यहाँ आएगी फिर जी अब बताइए तो वही अभी जैसे बीच में आ गई हम दोनों के ऐसी फिल्म में दिखाया जा रहा है कि दोस्ती जीतेगी कि लड़की ऑब्वियसली लड़की थैंक यू ये आपको 23 फरवरी को पता लगेगा तुम्हारे सर पे ना धर्मा का हाथ है ना यशराज का हाथ है फिर भी स्टार बन के एंटरटेनमेंट की रात में आ गए कैसा लग रहा है आप लोगों को देखिए स्ट्रगल रहता है हम लोग इस मामले में लकी रहे हैं कि लवरंजन सर जैसे डायरेक्टर एंड राइटर मिले शुरुआती करियर में एंड उन्होंने ऐसी फिल्में हमारे साथ बनाई जो सबसे कनेक्ट हुई और उसकी वजह से हमें कोई बड़े नाम के अटैचमेंट की जरूरत नहीं पड़ी वो सीधा ऑडियंस का अटैचमेंट हो गया एक सवाल आपने सारी फिल्में लव रंजन के साथ की है ना हाँ हाँ तो बाहर काम मिलता नहीं के करते नहीं साइलेंस मेरे अब जो समझे वो समझे नहीं नहीं मैंने बाहर की मेरी चली दे मेरी भी
मैंने अब तक बाहर की नहीं। ये समझदार निकला तीनों में से। अगर ये समझदार निकला कि डायरेक्टर समझदार निकले, इसको बाहर जाने नहीं दिया। एक सवाल पूछना है मेरे को आपसे कार्तिक। हाँ। सच बताना, सच सच बताओ, बिल्कुल झूठ मत बोलना। जब आपको वो मिला 25 पेज का मोनोलॉग, आपने इन दोनों को बोला कि उतने तुम्हारे फिल्म में डायलॉग नहीं जितने मेरे एक सीन में? नहीं, मैंने मन ही मन बोला। पहली थी ना तो मन में, सेकंड में बोल दिया। सेकंड में बोल दिया मुंह पे? हाँ मुंह पे बोला। सनी फिर कैसा फील हुआ? सनी रिएक्शन दे रहा था ना। रिएक्शन दे रहा था। नुसरत सच बताना, आप बिल्कुल सच, कभी अपने आप को ऐसे सर्च किया नेट पे नुसरत हॉट पिक्स? हाँ जी। तो किसकी फोटो आती है? किसकी आती है? कभी कभार मेरी आ जाती है उसकी। कभी कभार। कभी सिटी निकली अपनी फोटो देख के? नहीं 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 नहीं। कार्तिक एक इंटरव्यू में बोला था आपने कि आप एक एक दिन में 25-25 अंडे खा जाते थे। जी जी। तो मुर्गियां वुमेन सेल में नहीं गई आपके खिलाफ? हमारे बच्चे खा जाते हैं। नहीं, उनको भी हक है ना, वो भी बोल सकती हैं, तो हम भी फीमेल, नो मींस नो, हम पे भी लागू करो। क्या है, मेरे पास प्रोटीन खाने का कोई तरीका जरिया नहीं था कहीं से आने का, तो वो 25-30 चले जाते थे तब। तो कभी ऐसा हुआ कि जल्दी जल्दी में पूरा अंडा खा लिया, सुबह पूरे निकल? हुआ है, हुआ। क्या? कभी कभी हुआ। तो आप क्या खाती हैं? यार मैं कुछ नहीं खाती, मुझे मम्मी खाने की टेंशन नहीं है, ये सिर्फ फुटेज खाती है, खाना नहीं खाती। कुछ लेके आया हूँ मैं। ओ बाप रे, कुछ तो हो रहा है। खुजली है। सोच लो तुम उससे पहली बार मिली हो। दो लड़के, दो लड़के जो ऑलरेडी मुझे पीछे से निकाल रहे हैं। कार्तिक तुम्हारी भी दीदी की एंगेजमेंट हुई है, तुम? मैं क्या करूं भाई, बता दे क्या करूं। रुते हैं देर के लिए? हाँ खेलते। चलिए तो पहला डेयर कौन करेगा?
भाई पूछो मत, अब तो थोड़ी ज्यादा ठंडक बढ़ रही है तो एनेस्थीसिया अभी काम आ रहा है इसके। भाई लोगों को निमोनिया होता है, तेरे को बमोनिया हो जाएगा। थोड़ी देर और बैठा रहा तो। हेलो हेलो हाय माँ हाय डार्लिंग। मैं ना विचार करती कि तने मैसेज करूँ कि फोन करूँ, बोल डार्लिंग। अच्छा तो मम्मा देयर वाज समथिंग आई वांटेड टू टेल यू। यस डार्लिंग बोल। हाँ बोल। मैंने शादी कर ली। हाँ बोल तो करे, नाम तो की बलराज। He's right here with me. Just one second, talk to him. Hello. Hello. आंटी प्रणाम जी। नमस्ते, कौन हो आप? मैं आपका दामाद हूँ जी। मैंने और नुसरत ने शादी किया जी कल, आपको बिना बताए। तो तुमने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया? जी उनको भी आपके बाद बताएंगे। ये कैसी शादी हुई कि जो पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते हो? आप नुसरत से बात कीजिए आंटी। इतने प्यारे प्यारे, इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा सुपरस्टार बैठा है, ऑटोग्राफ नहीं लिया इसका आप लोगों ने? ऑटोग्राफ नहीं दिया इन लोग को? थैंक यू स्वीटी मुझे स्टार बोलने के लिए। नहीं नहीं, वो तो इसलिए बोला, उस दिन तूने मेरा वीडियो बनाया था ना रघु के साथ। उस दिन मालूम है क्या किया इसने? रघु के साथ मेरा वीडियो बना लिया। वो गुप अंधेरे का फायदा उठा के मैं और रघु ना चप्पल चोरी कर रहे थे। प्लीज वो वीडियो डिलीट कर देना। अच्छा सुनना बलराज, तूने इन लोग को बताया मेरे बारे में? ये स्वीटी है, बहुत ही घरेलू है, बहुत ही संस्कारी है। ये भी स्वीटी है। बहुत ही सुशील है ये। ए खबरदार, मेरे को सुशील नहीं बोलना। सुशील में ऑपरेशन के पहले था। बड़े बड़े स्टार आए हैं, अपनी बकवास बंद करो और उनके साथ बात करो जो करनी है। हाँ तो करती हूँ ना। ओ माय गॉड कितना प्यारा है, दूर से भी अच्छा दिखता था, पास से भी अच्छा दिख रहा है, एकदम धांसू लग रहा है ये सोफे का कलर। नहीं सॉरी, वो क्या ना आपसे भी बात करूंगी, लेकिन कलर्स का शो है ना तो पहले कलर की बात करना पड़ता है। आपको मालूम है कलर की बात कर करके ना एक लड़के को दूसरा शो भी मिल गया कलर का। ये फालतू की बकवास क्या चल रहा है? वो देखो इरिटेट हो रहा है कार्तिक बेचारा। हाँ तो उसी को इरिटेट करने आई हूँ मैं। ऐसे लड़की लोग के बारे में क्या क्या बोलता है? प्रॉब्लम ये है कि नेहा लड़की है
चल अभी बोल मेरे से क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तो आधा लड़की है आधा लड़का है। सब समझती है मैं, लेकिन मालूम मैं सिर्फ आपको बोल रही है, सनी को नहीं बोलेगी, क्योंकि मैंने सुना आपको मार्शल आर्ट आती है। आती है थोड़ी बहुत, अब तो काफी टाइम। कितने दिन आती है? नहीं एक्चुअली कहना मजाक का शो है ना, तो ऐसा थोड़ा बहुत मजाक करना पड़ता है। अब रवि के भरोसे थोड़ी रहेंगे हम लोग। मजाक करना पड़ता है, ये रवि ना मालूम है एक नंबर का झूठा है। मेरे को बार बार बोलता है फुल पावर फुल पावर। उस दिन मैं इसके साथ घर पे गई, सारी असलियत सामने आ गई। आधे घंटे में 3 बार लाइट कटी इसके घर की, काई का फुल पावर। ये लोग बिना लाइट की बात, तू ना ऐसे ये हमारी इंटरव्यू डिस्टर्ब कर रही है। पता है इन लोग की नई फिल्म आई है, पता है सोनू के भतीजे की चड्डी। सोनू के टीटू की स्वीटी। हाँ तो मेरा भी सुनो, मुन्ना की स्वीटी का, महेश का, रमेश का, सुरेश का, महेश का, मंगेश का, फैयाज का, गुलफाम। अरे नहीं नहीं ये मेरा पिक्चर नहीं है, ये मेरी हरकतें हैं। पिक्चर तो मेरा दूसरा आया था। साली ने खोला फेसबुक, जीजे ने दिया 5 थूक। क्या करने आए हैं? इन लोग को बताने के लिए, ये लोग पिक्चर में ना सब गलत बताते लड़की लोग के बारे में, कि लड़की लोग ऐसा होता है, लड़की लोग वैसा होता है, लड़की लोग का ऐसा नहीं। मैं एग्जांपल देती है, अभी जैसे मैं 3 दिन पहले सुरेश के साथ गार्डन गई थी, फिर 2 दिन पहले मैं मंगेश के साथ गई, आज मैं राजेश के साथ जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि लड़के बदल जाते हैं, लड़की नहीं बदलती। है कि नहीं? एकदम करेक्ट। आर यू एंग्री विथ मी? नॉट एट ऑल, आई लव यू। आर यू एग्री ना? यस। देखा, वैसे मुझसे तो एक बात बताना चाहती हूँ, मालूम है ये ना मजाक का शो है। हाँ। और एक सच्ची बात बोलूं, तुम ना एंजेलिना जोली से बड़ी सुपरस्टार हो। ये मजाक है? ये पहला मजाक खत्म। अरे नहीं 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 नहीं, मजाक कर रही थी बाबा, ये लो दूसरा मजाक भी खत्म। अच्छा बलराज, अब बाबा सुनना, मेरे को मालूम है तू पकड़ा है, तो जाते जाते राज की बात बताऊं। बाप का जो बिगिनिंग में जो ट्रेलर है उसमें आप एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो या फिर यू नो, वो आपका सचमुच का इमोशन है या रियल लाइफ में आप लोग दोस्त हैं? बोल दे यार। नहीं मुझे बोल दे ना यार, हम दोस्त भी हैं और नहीं भी हैं। अच्छा लव हेट रिलेशनशिप चल रहा होता है? बहुत बड़ा। अरे यार वही बात है जो हमने टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में बोला था यार, 6-7 साल तक जब आप सेम शक्ल देख देख के सेम लोगों के साथ काम कर करके होता है ना, तो लव एंड हेट रिलेशनशिप होता ही है। और वहीं से आइडिया आई थिंक लव सर को आया था वो वीडियो बनाने का भी। हाँ। कि रियल में ऐसे है कि तीनों को आपस में ना इतना काम हो गया ना कि अभी ऐसा लगता है यार नहीं यार नुसरत के साथ एक और बार नहीं यार, रुक जाता हूँ यार। सनी के साथ चलेगा। कार्तिक के साथ यार अभी नहीं। अब रोमांस नहीं कर सकती, लग झगड़ा कर झगड़ा कर। इन दोनों के झगड़े में मैं फंस जाता हूँ। तो आपने जैसे अनाउंसमेंट में देखा है वैसा ही हाल है रियल लाइफ में। ये सीधा है, ये इनोसेंट एकदम, पढ़ता नहीं इन चीजों में। वो दोनों हीरो ना ये प्रोड्यूसर है, देखो ध्यान से बैठा कैसे ना ऐसे। अभी है तो उसके पैंट में हमने डाली भी ऐसी चीजें थी, क्या करेगा वो, ठंडा हो चुके। ठंडा हो गया वो। कैसा है बलराज? मैं ठीक हूँ। वैसे तो मैं बेटा बोलता है, लेकिन मेरी बीवी ने कहा है हमने इतने पाप नहीं किए कि ऐसी औलाद पैदा हो। वैसे तुम्हारे पास 50 का छुट्टा है? छुट्टा मेरे पास 100 का होगा। तो यहाँ भिकमंगो की तरह क्या बैठे, जाके घर जाओ। वैसे मलिश्का तुम्हारी किस्मत बड़ी खराब चल रही है। हाँ इसके आसपास तो वैसे होता रहता है। किस्मत बदलनी है? पकड़ो। क्या? नहीं उंगली तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिखाई, जाके काम पकड़ो। वैसे बुरा मत मानना, मुझे दिखाई नहीं देता है। क्या बात कर रहे हैं? सच में अंकल? हाँ तुम्हारा टैलेंट बिल्कुल दिखाई नहीं देता। बाकी सब HD में दिखाई देता है। HD में यहाँ दिखाई दे रहा कि यहाँ पे फुसरत बरूज बैठी है। फुसरत बरूज? नुसरत नाम है उनका, नुसरत। अरे कुछ आसान सा नाम रख लेते जैसे Eternal Sunshine of the Spotless Mind।
नाइस। या फिर हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अस्कावान। आजा भाई। अरे दादा। अरे बैठ चुके भाई। अरे इतना बुढ़ापा हो गया, इस बुढ़ापे में इतनी ज्यादा थकान हो जाती है ना, मतलब थोड़ा सा चलो परछाई आगे निकल जाती है, मैं पीछे रह जाता हूँ। इतना ज्यादा बुढ़ापा आ गया है ना कि कभी कभी तिलक लगवाता हूँ, चावल नहीं लगवाता। क्यों? ऐसे मुंडी झुक जाती है। बोझ से। वैसे बोझ से पूरी मुंडी झुक जाती है। आपको एक सलाह दूं? दीजिए। जब भी घर से निकलते दूरबीन लेके निकला करो। क्यों बेटा? देख लिया करो आगे जमराज तो नहीं। अरे खड़े हो ना। अरे बुढ़ापे में काम करवाता है। हाँ। सनी जब इसके बेटे को भी पूछता है ना कि आपके पापा कैसे, तो बोलता है इससे थोड़े से बड़े हैं। कुछ भी कह रहे हैं। अरे एक बार तो। वैसे चचा आपको पता है कौन लोग आए? वो ध्यान से देखो, वो कार्तिक बैठा है। 5.5 मिनट का डायलॉग बोला इन्होंने, मोनोलॉग सुना है आपने? अरे हाँ, मैंने इसकी फिल्म में सुना था ना लंबा। ये सुनते ही मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया। अरे बड़ी मुश्किल से मैंने डंडे मार के उसको अंदर किया था। बेटा तू इतनी अच्छी कॉमेडी करता है, दिन में ब्रश तो 2 बार करता ही होगा। मैं तो 1 बार करता हूँ। बेटा आज से दिन में 2 बार ब्रश करना है, पता है? और वो भी डाबर रेड पेस्ट से, क्योंकि इसके 13 आयुर्वेदिक तत्व है ना, वो तुम्हें दांतों के 7 प्रॉब्लम से बचाएंगे, समझे? अच्छा तो मेरे प्यारे गरीब पापा, आप ही दिला देना मुझे, इसी बहाने आप भी ब्रश कर लोगे डाबर रेड पेस्ट से, है ना? भाग जा बेटा, मैं दांत तोड़ दूंगा। हम लोग काफी टाइम से इन तीनों से बात कर रहे हैं और नुसरत को तो देख भी रहे हैं। खैर बहुत ही अच्छा गाना है, पूरे हिंदुस्तान ने प्यार दिया सुबह सुबह से, लेकिन सनी को बड़ा डर लग रहा है कि सुबह सुबह कल बैठेगा कैसे। हमारे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं जी, तो घर में सारी मतलब डैड भाई है ना चाचा जी सब लोग म्यूजिकल, आपके घर में व्हाट्सएप ग्रुप तो बना ही होगा फैमिली का ऑब्वियसली? हाँ, कोशिश करते हैं हमें इन्वॉल्व करने की, पर तो कभी ऐसा हुआ कि अनु सर ने बीच में 4 शेर भेजे आपने ग्रुप एग्जिट कर दिया हो? द मिनट माय डैड एड्स हिम ना, मैं तभी एग्जिट कर देता हूँ। सर आप तो कह रहे थे भतीजा बड़ा शरीफ है, प्यार करता है। भाई आप कंपोजर हैं, गाने बनाते हैं, भाई सिंगर है, तो अक्सर हमने देखा कि सिंगर्स की फैन फॉलोइंग थोड़ी ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा। तो जेलसी होती कभी भाई से? होती है ना, कितनी बार रात को मैं उसको बोलता हूँ ऐसे ज्यादा उड़ो मत, ये गाना बनाया तो मैंने। या तो फिर ये कर लो कि शोज जाते तो 20% मुझे भेज दो, मुझे मैनेजर बना लो। बट वो एक चीज है, that's how it is. जैसे सिंगर से ज्यादा एक्टर की, एक्टर इज द फेस ऑफ द सॉन्ग हमेशा, वो कहीं ना कहीं होती है कि एक्टर के बाद एक फैन फॉलोइंग एक सिंगर की बनती है, क्योंकि उसकी आवाज आप सुनते जा रहे हो। आई थिंक इसी वजह से काफी कंपोजर आजकल दूसरे सिंगर्स को गाना नहीं देते, खुद गाने लगते। तो चलिए एक सवाल पूछते हैं, अरिजीत बेटर सिंगर है कि सोनू निगम? दे दो आप भी बड़ा बड़ा जवाब। सोनू निगम बेटर सिंगर है, अरिजीत की आवाज लोगों के दिल में बस गई फिलहाल।
तो वो क्या बात है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। लेकिन हमारे शो की एक परंपरा है और वो परंपरा ये है कि हमारे शो में जो भी आता है उसको आदित्य के साथ अखाड़े में उतरना पड़ता है। और ये अखाड़ा जो है ये बॉक्सिंग क्लब वाला अखाड़ा नहीं, ये है म्यूजिकल अखाड़ा जिसमें होती है रैप बैटल। तो आप लोग तैयार हैं? तैयार है। सो ओवर टू आदित्य फॉर द रैप बैटल। बड़ा है ये टैलेंटेड, मुश्किल है ऐसा कुछ होना। बड़ा है ये टैलेंटेड, मुश्किल है ऐसा कुछ होना। पर अब भी लोग कहते हैं आप अन्नू जी के भतीजे हो ना। जवान है पर लड़की जो देखे हो जाए बत्ती गुल, इसीलिए तो गाना बनाया। कार्तिक है बड़ा टैलेंटेड, प्यारा है मेरा भाई। यो कार्तिक है बड़ा टैलेंटेड, प्यारा है मेरा भाई। ढूंढता रहता है लड़कियों में जब देखो ये बुराई। नुसरत ने ढाया कहर जब भी ये शर्माई, नुसरत ने ढाया कहर जब भी ये शर्माई। लड़कों को टेंशन देने ये दुनिया में आई। हर फिल्म में हमारे साथ ये सनी आ जाता है, हर फिल्म में हमारे साथ ये सनी आ जाता है। गेड़ा बन के ये बंदा हर पेड़ा खा जाता है। कार्तिक के पास है लड़कियों का पूरा ज्ञान, कार्तिक के पास है लड़कियों का पूरा ज्ञान। इसी से तो चलती है इसकी एक्टिंग की दुकान। सेट पर आते दिखाता है एक्टिंग की ये धार, सेट पर आकर दिखाता है ये एक्टिंग की ये धार, घर जाके रोज बेचारा सोचता है कब बनूंगा मैं स्टार। नुसरत के घर वालों ने फिल्म ना करने कही थी, नुसरत के घर वालों ने फिल्म ना करने कही थी, एक्टिंग मैडम की देख के लगा बात सही कही थी। Well done, well done. Thank you, thank you. हम अपने अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे को लगा दो पैरों पे कुत्ता आ रहा है।
ये तो नहाती हुई औरत बाल सुखा रही है। दांत दिखा रहे थे वो हाथी एलिफेंट। तो अभी हम इंटरव्यू का रैप करने से पहले आपका मोनोलॉग सुनेंगे, पर एक उसमें ट्विस्ट है। आपको खड़े होकर मोनोलॉग बोलना है और आप तीनों को डिस्ट्रैक्ट करना है इसको, ठीक है? तो कुछ भी कर सकते हो आप। आइस 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 लेके आइए। अरे गलत लोगों को ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने भेजे। बात आजकल के बॉयफ्रेंड ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। ऐसी एक बॉयफ्रेंड की मौत हो गई है, यहाँ दोनों गर्लफ्रेंड्स आपस में मिल रही हैं। आइए देखते हैं किस गर्लफ्रेंड के खिलाफ पुलिस केस बनाती है। प्लीज वेलकम रवि, आशा एंड My name is Chulbul Singham. वैसे कार्तिक, ये तुम्हारी पिक्चर में वो आलोक नाथ जी भी है ना? हाँ है ना। मैंने सुना कि बड़ी स्पेशल बात बोली उन्होंने ट्रेलर में, गाली दी है। हाँ गाली दी है आलोक जी ने। तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ। बोलो ना। जो आदमी दीप के लिए फेमस था अब बीप के लिए फेमस है। ओए होए होए, फोन बज रहा है मेरा, एक सेकंड रुकना जरा। हेलो, यस सर कमिश्नर सर। हाँ सर, मुझे अपने फर्ज का अच्छी तरह पता है सर, देश के लिए काम करता हूँ सर, करूंगा सर, जरूर करूंगा, आपके बेटे का डायपर चेंज करूंगा सर। कौन है बे? घर में बहुत बड़ी दावत है क्या? दावत नहीं। तो फिर ये बाजरे का आटा क्यों गुथा पड़ा है? बाजरे का आटा नहीं, लाश है, लाश। ये लाश है? हाँ। लेकिन पुलिस को बुलाने से पहले इस लाश को जलाया किसने? नहीं, लाश जली हुई नहीं है। लाश जली हुई नहीं है? ये देखो इसको कार्तिक, ऐसा भुना हुआ बैंगन है जिसका कोई भरता भी नहीं बनाता। भुना बैंगन।
बराबर। सर आप अपना काम कीजिए ना, ये मेरे फियांसे हैं, मुझे लगता है इसी करमजली ने इनको मारा है। ये करमजली चुप, ये मेरे फियांसे हैं, ये है ना जलकुकड़ी, इसी ने मारा होगा इनको। ये फुंसी वाले मुंह वाला फियांसे है। यार कार्तिक, मैंने सुना था कि प्यार अंधा होता है, साला प्यार को सूंघने को भी नहीं होता है, ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। इधर उधर की बातों में आप टाइम मिस मत कीजिए। हाँ ठीक है, अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ पता कर लूंगा। अरे नहीं। डार्क रेड कलर का खून, मतलब कि मर्डर हुए काफी टाइम हो चुका है। एक मिनट सर, इट्स नॉट डार्क रेड, इट्स मजेंटा रेड डार्क वाइन, एंड यू नो विद अ लिटिल टच ऑफ पर्पल एंड बर्गंडी। ये है ना, नुसरत जी की बहुत बड़ी फैन है, और उनको जैसे कलर्स का नॉलेज है बिल्कुल वैसे ये भी लगी रहती है। अभी हाल ही में ये जयपुर गई थी, वहां जाके बोलने की नो 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 नो, इट्स नॉट पिंक सिटी, इट्स फ्लेमिंगो पिंक सिटी। वहां के लोगों ने बोला दीपिका पादुकोण को बाद में पकड़ने के पहले ही से मारो। सर प्लीज इनके मर्डर के बारे में पता कीजिए ना, इनके बिना मेरी जिंदगी नरक हो जाएगी। इनके बिना नहीं, इनके साथ भी तेरी जिंदगी नरक ही होती। Smiling. रवि, रवि, तेरी लाश हंस रही। लाश हंस रही है? बहुत देर से हंस रही है। चले। एक मिनट। शुरू से हंस रही। इसको मैंने बोला था लाश की एक्टिंग अच्छी कर, साले ने जान डाल दी। ये सब टाइम पास छोड़ो, अभी चुपचाप से इस केस की तहकीकात शुरू करो। चलो तहकीकात तो करनी पड़ेगी। हाँ। मर्डर यहीं कहीं आस पास है। हाँ। तो इसी चाकू से मर्डर हुआ है ना? सर ये क्या किया उसमें फिंगरप्रिंट से? क्या? हाँ। ओ शख्स। सर ये क्या किया, वो जिंदा था। ए, तू जिंदा था? वो मेरे चाकू मारने में मरा तू। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसके भूत को बुलाते हैं, फिर इसका भूत हमको बताएगा कि इसका मर्डर किसने किया। ओके ओके ओके। एक मिनट है, अपने पास सारे जुगाड़ है सेटिंग वालों की वजह से। सर आपका नाम क्या है अगली सर? कॉस्टन। कॉस्टन, कहीं आपका सरनेम मार्क तो नहीं, क्योंकि आपके मर्डर पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। नहीं, क्वेश्चन साहू नाम है। क्वेश्चन साहू नाम है तेरा, तू मरा कैसे? मैं इस एक्ट का राइटर। ओ, इन लोगों का रिहर्सल देखा, इन्होंने जो एक्ट की मैं उसी वक्त मर गया। अब मैं बाहर जाऊं, बाहर जाके तुम्हारी बुराई करूंगा। अच्छा। अब तुम्हें काम नहीं मिलेगा। तेरी वजह से मेरी जबान भी काली है। एक सेकंड बस, एक सेकंड, ये जबान निकाल के वेट करना बस। डोंट गो, चलो चलो। इस साले का अपना करियर तो कभी बना नहीं, हमारा भी करियर कभी बनने नहीं देगा। साले की आत्मा में चाकू मार के मार देते इसको। देखा, हमने इसे मार ही दिया। तुम लोगों ने करी होगी प्यार का पंचनामा, हमने किया कॉमेडी का डबल मर्डर। जोरदार तालियों पर किलिंग परफॉर्मेंस। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.